हो जाएगा, आप अपना वर्ग इसलाह खुद ही निकलवा सकते। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप अपना वर्ग इसलाह ऑनलाइन से मोबाइल के थ्रू बनवा सकते हो, आपको तामीन की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कैसे करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने कोई ब्राउजर चूज कर लेना है। ब्राउजर चूज करने के बाद फिर आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने गूगल में अबशर लॉगिन, आपने अबशर लॉगिन लिख लेना है और फिर इसे रिसर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फिर यहां से आपने लॉगिन अबशर आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आएगा यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे और फिर यहां से आपने इंडिविजुअल पर क्लिक कर लेना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद फिर यहां से आप इसे इंग्लिश या अरबी दोनों में कर सकते हो। मैं इंग्लिश में करूंगा। तो फिर यहां से आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम या फिर आपने अपना इकामा नंबर एंटर कर लेना है, जो भी चाहो आप एंटर कर सकते हो। यूज़र नेम और इकामा आईडी एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है आपने वो एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर आप अपने अबशर के अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे और फिर यहां से आपने वायलेशन पर आना है और फिर यहां से आपने सर्विस पर क्लिक कर लेना है। सर्विस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज आएगा और फिर यहां से आपने वायलेशन मैनेजमेंट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज आएगा और यहां पर जितने भी कार आपके नाम पर हैं वो आपके सामने शो होंगे, आपने उनमें से किसी एक कार को चूज़ कर लेना है और फिर उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज आएगा और फिर यहाँ से आपने इंसेस वायलेशन रिपेयर परमिट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज आएगा और फिर यहाँ से आपने इसे नीचे कर लेना है। यहाँ पर आपको बता रहा है टर्म एंड कंडीशन का, आपने फिर यहाँ से रिक्वेस्ट वायलेशन रिपेयर परमिट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट वायलेशन रिपेयर परमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज आएगा और फिर यहां से आपने क्रेडिट रिक्वेस्ट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आएगा कंफर्म, आपने यहां से इस पर कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद फिर आपका रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर परमिट सक्सेसफुली हो जाएगा और ये 7 दिन तक वैलिड रहेगा और इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और 7 दिन के अंदर आपने अपना कार रिपेयर कर लेना है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसका प्रिंट कैसे निकलवाना है। आपने यहां से बैक पर क्लिक कर लेना है। बैक पर क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पर आओगे और फिर यहां से आपने नीचे कर लेना है। अब आपने यहां से शो द रिक्वेस्ट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको आपका रिपेयर का PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड रहेगा और इस तरह आप अपना वर्ग इसलाह खुद ही निकलवा सकते हो, आपको किसी जगह भी जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।